जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अनलिमिटेड ट्रैफिक बाय कर सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो इस ट्रैफिक को आप यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडसेंस अप्रूवल से पहले जो आपको ट्रैफिक चाहिए होती है तो वो ट्रैफिक आप इस ट्रैफिक को यूज़ करके वो आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। या अगर आपके पास गूगल का अप्रूवल है तो आप अपनी एड्स वहाँ पर अगर दिखाना चाहते हैं, अपने पेज व्यू बढ़ाना चाहते हैं, एड व्यू एड इंप्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस ट्रैफिक को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी एड्स वगैरह या ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी आप अपने इस ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलें बढ़ते हैं वीडियो में, तो मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन सी वेबसाइट है और कैसे आपने उसको यूज़ करना है और कैसे आपने वहाँ से ऑर्गेनिक इंटरनेशनल ट्रैफिक लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल में आ जाना। गूगल में आपने यहाँ पर आकर सर्च बार में लिखना है NEON न्योन, न्योन टुडे, न्योन डॉट टुडे के नाम से ये वेबसाइट है, रशियन वेबसाइट है ये। और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पर किस तरह साइनअप करना है। यहाँ पर आप जब साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं मांगता। यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस और आपका जो है वो पासवर्ड मांगता है और आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ था तो इसलिए मेरा ये अकाउंट ओपन होके सामने आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अभी इस टाइम 238 पॉइंट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, और अगर मैं इनको मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ तो उसका भी आपको मैं मेथड बताता हूँ और उसको मैं बताऊँगा कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बना लेंगे अपना अकाउंट तो आपने सबसे पहले यहाँ पर सर्फिंग मोड पर आना है। तो जब आप सर्फिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये बेसिकली रशियन लैंग्वेज में आ रहा है तो इसको आप अपने गूगल ट्रांसलेट से पेज को ट्रांसलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बस यहाँ पर ये सर्फिंग मोड पर आने के बाद, सर्फिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो क्रेडिट्स अर्न करने हैं उसके लिए आपको मतलब कह लें कि पाबंद होना नहीं पड़ेगा, कि ये नहीं है कि आपने उस पर क्लिक्स करनी है, हर ऐड को देखना है उसका आपको मिलेगा पॉइंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये देखें, आज मैंने 75 क्रेडिट्स मैंने अर्न किए हैं और जो कि मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया इसमें, यकीन जाने तो मतलब एक दफ़ा मैंने स्टार्ट कर दिया है और ऑटोमेटिकली वो एड्स आते रहे हैं और मेरे पॉइंट्स बढ़ते रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप जब स्टार्ट सर्फिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी मिनी टैब ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसका भी ये सीन है कि अगर आपके पास ऐसा नहीं होता तो उसके भी आपको मैं सेटिंग बताता हूँ। जैसे आपके पास टैब ओपन होगी तो यहाँ पर आपको ऊपर काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर टैब चल रही है, लोडिंग हो रही है और यहाँ पर हमारा काउंट डाउन चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी देखें 75 मैंने टुडे मतलब आज मैंने अर्न किए हैं 75 पॉइंट्स। तो अभी ये जब यहाँ पर देखें 1 हो गया तो अभी हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो गई है, वो वाली टैब डिलीट हो गई है मतलब कैंसिल हो गई है और यहाँ पर हमारे पास 75.5 क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब आप इसको लगा कर छोड़ दें और ये 15-20 मिनट आधे घंटे बाद अगर आपने इसको चेक भी करना है तो आप कर सकते हैं, तो ये आपके इस तरह पॉइंट बढ़ते रहेंगे। अच्छा, कभी कभी होता है ये कि ये जो आपके पास टैब है, ये पॉपअप बेसिकली टैब है, तो ये कभी कभी ओपन नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपने सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने आना है साइट सेटिंग में। ठीक है, इधर जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगी पॉपअप एंड रीडायरेक्ट की। आपने इस बटन पर क्लिक करके ये चेक करना है कि साइट्स कैन सेंड पॉपअप एंड यूज़र डायरेक्ट, इस पर होनी चाहिए। अगर आप डोंट अलाउ करेंगे तो वो आपके सामने जो पॉपअप ओपन होता है वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपने उसको अलाउ करना है। मेरा ऑब्वियसली अलाउ है इसलिए मुझे यहाँ पर पॉपअप ऐड भी दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा ऐड आ रहा है। ठीक है, जैसे ये ज़ीरो होगा तो हमारे वो पॉइंट ऐड हो जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर स्टॉप हो जाता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके फिर से वो जो पॉइंट हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ से पॉइंट अर्न करने हैं। मैंने ऑलमोस्ट कह लें कि एक घंटे के अंदर के ये जो पॉइंट हैं 239 पॉइंट्स मैंने 1 घंटे में किए हैं, शायद ये भी इससे भी कम टाइम में ही ये पॉइंट्स मेरे बन गए होंगे। ठीक है जी, अभी मैं इसको बंद करता हूँ स्टार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यूज़ किस तरह करना है, जो अपने आपके पॉइंट्स होंगे उनको आपने अपने ट्रैफिक के लिए किस तरह यूज़ करना है। तो उसके लिए जी आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने आना है यहाँ पर मैनेज एड्स में, सर्फिंग पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर जब आप सर्फिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये बेसिकली एक लिंक था मेरा एडस्टेरा का, जिस पर मैंने 100 जो है ना वो क्रेडिट लगा कर 100 व्यूज़ के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर होता ही है कि आपको टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको नई एक ऐप बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू सर्फिंग ऐड पर क्लिक करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आएंगे फर्स्ट टाइम, तो आपने इस तरह करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना यूआरएल देना है और यहाँ पर आपने ड्यूरेशन सेट करनी है कि भाई आपको कितने टाइम, जो भी पेज का लिंक होगा वो जो ट्रैफिक आएगी वो कितने टाइम तक आपके इस पेज पर रहे। तो यहाँ पर 20 सेकेंड से शुरू होता है, 90 सेकेंड्स तक जाती है बात। ठीक है, अभी 20 सेकेंड पर करेंगे, अगर आप करेंगे क्लिक, तो आपका एक जो विजिटर है उसका क्रेडिट आपका एक यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप जैसे ही इसको 30 सेकेंड पर करते हैं तो आपका 1.5 क्रेडिट यूज़ होंगे। ठीक है, इसी तरह आपने जो आपको जितने भी टाइम के लिए ट्रैफिक चाहिए आप उसको कर सकते हैं। तो मैं अभी 20 सेकेंड्स के लिए करता हूँ और यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ से मैं गूगल ओपन करके उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ उसको। और जब आप ऐड कर देंगे तो आपका वो जो यूआरएल है वो ऐड हो जाएगा मेन टैब पर, सर्फिंग वाली मेन टैब पर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास सक्सेस हो गया है। मैनेज सर्फिंग ऐड पर क्लिक करेंगे आप। अब ये देखें यहाँ पर आपका जो सेकंड लिंक है, जो जैसे कि मैंने पहले भी एक बनाया हुआ था, मेरा सेकंड लिंक यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपने जो बैलेंस है वो बैलेंस ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास हैं 239 क्रेडिट्स, तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए 9 क्रेडिट्स ऐड करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कुछ ही टाइम के बाद अभी मुझे बता रहा है कि भाई आपको कितने व्यूअर्स मिले हैं और आज के टाइम में कितने आपको व्यूअर्स मिले हैं। ठीक है, ये देखें 5:38 हो गए हैं। ठीक है, और मैं कुछ 1 मिनट के या 2 मिनट के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे व्यूज़ मिले हैं या नहीं। जी देखें अभी 5:38 ही हुए हैं और 30 सेकंड के बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया टैब को यहाँ पर आकर, तो मुझे वो बता रहा है कि भाई आपको 9 व्यूज़ मिल गए हैं और आपके आज के भी 9 व्यूज़ हैं। तो इसको मैं ट्रैक, जब जाहिर सी बात है जब आप अपने ट्रैफिक जब करेंगे इसको यूज़ करेंगे ब्लॉगर में किसी वेबसाइट में लगा कर या कोई ऐसे लिंक पर लगा के, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपने अपने पॉइंट अर्न करने हैं और इसी तरह आपने यहाँ पर आकर अपनी एड लगानी है और आपको जो ट्रैफिक है वो इंस्टेंट विद इन 1 मिनट 2 मिनट, वो भी डिपेंड करता है कि आपके कितने ट्रैफिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 व्यूअर्स की रिक्वेस्ट डाली है तो आपको 5 या 7 मिनट में या 10 मिनट में मैक्सिमम आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो थी छोटी सी। अगर आप इस नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आकर अकाउंट बनाएं और यहाँ पर क्रेडिट अर्न करके अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक दें। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।